गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। नाउ दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर टू, ग्रोइंग प्लांट्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड एंड ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। नाउ कम टू द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड मीन्स द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मीन्स डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मीन्स सीड्स का दूर दूर चल के बिखर जाना। मीन्स दूर दूर जाके सीड्स अपने मदर प्लांट से जब बिखर जाते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बिकॉज इफ ऑल द सीड्स फॉल एट वन प्लेस दे विल नॉट गेट सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स, ओके, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस टू ग्रो। If seeds are sown very close to each other, they will struggle for space, light, air and water and nutrients also. Therefore, it is necessary that the seeds are scattered far away from each other. अगर एक ही जगह बहुत सारे seeds grow करेंगे तो वो उनको proper nutrients नहीं मिलेंगे, water नहीं मिलेगा, light और space नहीं मिलेगा। That's why seed dispersal is necessary process for plants. So the process in which seeds are scattered far away from the parent plant to obtain suitable conditions for germination is called dispersal of seeds. In nature, seed dispersal is carried out by wind, water and animals. They are called agents of seed dispersal. So seeds are dispersed by wind, water and animals including human beings. These are called the agents of dispersal. Some seeds also get dispersed by explosion of fruits. Explosion of fruits means जब fruits पूरी तरह पक जाता है और dry हो जाती है उसकी outer covering, तो वो burst हो जाता है, उसको बोलते हैं explosion of fruit. Now the first is dispersal by wind. तो जो agents हैं उसका first agent है dispersal by wind. Wind के through seeds कैसे disperse होते हैं। Some plants have very small and light seeds. These seeds also have wings or hair. When wind blows, they are easily carried away from the parent plants. Examples are madar, hiptage and cotton seeds are dispersed by wind. तो कुछ seeds इतने light weight होते हैं, hairy होते हैं और winged होते हैं। Wings होते हैं उनके, जिससे कि वो easily हवा के साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और जहाँ पर उनको फर्टाइल सॉइल मिलती है वहाँ पर वो जर्मिनेट कर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सल बाय विंड। नाउ द नेक्स्ट एजेंट इज वाटर। डिस्पर्सल बाय वाटर। द सीड्स ऑफ लोटस आर स्पंजी व्हाइल द कोकोनट सीड्स हैव फाइब्रस कवरिंग। दीज फीचर्स हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। दे गेट डिस्पर्स टू फार ऑफ प्लेसेस विद वाटर करेंट। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, सीड्स ऑफ सम फ्रूट्स हैव वाटरप्रूफ कवरिंग, जैसे कोकोनट की होती है वाटरप्रूफ कवरिंग होती है ना, और सो लाइट दैट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। और लाइट वेट होते हैं और फ्लोट कर सकते हैं पानी के ऊपर। एग्जांपल कोकोनट हो गया, तो कोकोनट के सीड्स होते हैं या फिर लोटस के सीड्स स्पंजी होते हैं और वो पानी पर तैरते हुए, पानी की सरफेस पर फ्लोट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और जहाँ पर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं दे कैन ग्रो। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स के साथ, एनिमल्स से कैसे डिस्पर्सल होता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो एंड वाटरमेलन एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। These seeds on getting favorable conditions grow into new plants. जैसे इन seeds को favorable condition मिलती है वो grow कर जाते हैं। Means अगर कोई भी animals हैं या फिर human beings हैं, वो किसी भी fruits को खाने के बाद में उसके seeds को इधर उधर फेंक देते हैं और जब ये seeds को condition उनकी favorable मिलती है वो नए plant में grow करने लगते हैं। Examples are seeds of some plants like bird dog, xanthium and tiger nail have hooks or spines. They get attached to the body of animals or clothes of human beings and are carried to other places. कुछ seeds ऐसे होते हैं जैसे xanthium में spines होते हैं या फिर hooked होते हैं कुछ seeds, वो किसी भी animal की body के साथ stick होकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। This is known as dispersal by animals. And the last is dispersal by explosion. Explosion means फटना।
सम फ्रूट्स बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई. द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड्स टू स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. एग्जाम्पल्स आर पॉपी पी बाल्सम सीड्स गेट डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन. मीन्स सम सीड्स हैव अ लेदरी कवरिंग और आर फाउंड इनसाइड पॉड्स. पॉड्स क्या होते हैं? पॉड्स होते हैं आउटर कवरिंग ऑफ द सीड्स. तो कुछ टाइम के बाद में वो स्प्लिट हो जाते हैं पॉड्स जब वो ड्राई अप हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो जो पॉड होता है बस्ट हो जाता है और उसमें से सीड्स बाहर निकल के स्प्रेड हो जाते हैं या फिर स्कैटर हो जाते हैं, और कंडीशंस जैसे ही उनको फेवरेबल मिलती हैं वो नए प्लांट में जर्मिनेट कर जाते हैं. नाउ कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टेक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट वन इज अ बेबी प्लांट लाइज बिटवीन द कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स आर ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स. तो बेबी प्लांट कहाँ मिलता है? कॉटिलेडन्स के बीच में. सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज डिस्पर्स्ड बाय विंड. विंड के साथ कौन से सीड्स होते हैं जो डिस्पर्स होते हैं? कॉटन सीड्स. क्योंकि कॉटन सीड्स इतने लाइट वेट होते हैं तो ये विंड के साथ भी ईजिली डिस्पर्स हो जाते हैं और न्यू प्लांट में जर्मिनेट कर जाते हैं. Now growing new plants from other parts of the plant. So do you know children, new plants can grow not only from seeds but also from roots, stems, leaves and spores. So let's learn how. Roots, stems and leaves are vegetative parts of a plant. The method of growing plants from their vegetative parts is called vegetative propagation. Means seeds ke alawa plants रूट से भी ग्रो कर सकते हैं, स्टेम से भी ग्रो हो जाते हैं, लीव से भी बन जाते हैं, या फिर स्पोर्ट्स के थ्रू भी एक नया पौधा बनाते हैं जिसको हम इसमें अभी देखेंगे. इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हमारा द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट वो होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स. मीन्स अदर देन सीड्स. सीड्स के अलावा जो भी पार्ट्स होंगे लाइक रूट शूट एंड रूट शूट लीव्स एंड स्पोर्ट्स, दीज आर दी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. नाउ कम टू दी न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. तो फर्स्ट है रूट्स. रूट्स के थ्रू जो नया पौधा बनता है उसको देखते हैं. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरेट, डहलिया, बीट रूट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सी हाउ डज अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अ रूट. So let's see the activity. Activity: to grow a new plant from the root of sweet potato. Sweet potato से आप new plant कैसे grow कर सकते हो? In this activity we can see. Method: fill 3/4 of a glass with water. Take a sweet potato and place it in the glass with the help of some toothpicks. Toothpicks की help से आपको sweet potato को पानी से भरा हुआ 3/4 ग्लास है जिसमें आपको फिक्स करना है ऐसे. कीप दिस ग्लास इन एन ओपन स्पेस सो दैट इट कैन गेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट. और इसको ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पर इसको फ्रेश एयर मींस ऑक्सीजन और सनलाइट दोनों मिलता रहे. नाउ ऑब्जर्वेशन, आफ्टर अ फ्यू डेज यू फाइंड न्यू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. थोड़े दिन बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें से जो रूट्स निकलना शुरू हो जा रही हैं होती हैं स्वीट पोटैटो से. रूट्स नए रूट्स मतलब जो स्वीट पोटैटो है जो रूट है अपने आप में उसमें से भी रूट्स निकलना स्टार्ट होती हैं क्योंकि वो अब नया पौधा बनाने जा रही है. कंक्लूजन क्या है? न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम रूट्स आल्सो. एक्चुअली कैरेट, बीट रूट और ये सब जो रूट्स होते हैं दे कंटेन स्मॉल बर्ड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो. उनके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है. अ पीस ऑफ अ रूट अलॉन्ग विद अ बर्ड इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉयल अंडर सूटेबल कंडीशंस. दीज बर्ड्स डेवलप रूट्स एंड शूट फॉर्मिंग अ होल न्यू प्लांट्स. बर्ड्स क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल, अगर आपने कैरेट देखा हो तो छोटे छोटे गड्ढे जो बने रहते हैं, स्मॉल लंप ऑन द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच न्यू शूट और लीव फ्लावर और न्यू प्लांट कैन ग्रो. तो कैरेट कभी भी नेक्स्ट टाइम देखो तो उस पर लंप्स देखना, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसको बोलते हैं बर्ड्स. So students, in the next video we will continue
न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से नया पौधा कैसे बनता है। टिल देन गुड बाय, टेक।